फायर सर्विस, फ्री वर्क, फायर सर्विस, छात्रों को बचाना है, फायर सर्विस लाना है, छात्रों को बचाना है, फायर सर्विस लाना है, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, फ्री वर्क, फायर सर्विस, फ्री वर्क, फायर सर्विस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। करने के लिए तैयार हैं कि लेकिन हम यहाँ से किसी भी सूरत में उस वक्त हटने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक ना हमें रिटर्न में ये दिया जाए कि फायर सर्विस की गाड़ी जो है वो यहाँ रहेगी। आप देखते हैं कि किश्तवाड़ से जब तक गाड़ी यहाँ पहुँचती है उस वक्त तक यहाँ कि अमला जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो जाती है और उस वक्त यहाँ सिर्फ कोयले के सिवा कुछ बुझाने को नहीं मिलता है। और आपने देखा बारहा सुना कि यहाँ हमारे जितनी भी सरकारी चाहे वो बिल्डिंगें हों, वो प्राइवेट घर हों, वो मजहबी मकामात हों, जब भी आग लगी हम बेबसी के सिवा वहाँ कुछ नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं थे। आप जानते हैं कि आग ऐसी चीज है कि वहाँ फायर सर्विस के अलावा उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज नहीं है। और रात को भी जो वाकया यहाँ पर हुआ, अल्ताफ हुसैन मलिक साहब का मकान जल गया और अगर यहाँ पर SHO साहब, पुलिस और आर्मी और SGI वाले अगर यहाँ पर ना होते मुझे लगता है कि इस वक्त छात्रों का नामो निशान भी ना होता। और इन लोगों ने उस वक्त हिम्मत से काम लिया और वो इतना कि सिर्फ आग को उसी मकान तक महदूद रखा लेकिन उसमें से भी एक सुई के बराबर भी कुछ बचा नहीं सके। वो सारा राख के ढेर में तब्दील हो गया, तकरीबन 10 दुकानें वहां पर थी। तो हमारा ये मुतालबा है इंतजामिया से कि हम उस वक्त तक अपने इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होगी। आपसे गुजारिश रहेगी नौजवानों से कि हमारा एक ही मुद्दा है, हम इससे हटकर दूसरे किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और ना कोई इस किस्म का कोई नारा लगाए जो क्या कहते हैं कानून के खिलाफ हो और ना हम कानून के खिलाफ जाने को किसी को इजाजत देंगे। और क्या कहते हैं हमारे नौजवान इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारी एक जेन्युइन डिमांड है और सरकार के सामने ये कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है, एक मामूली सी डिमांड है। वो यहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी को रख सकते हैं। हमारा ये सब डिवीजन का इलाका 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, मुगल मैदान, सिद्धि बाटा और होडना दुर्बील, कुछाल, सिंहपुरा, चिनगाम। और यही कहूँगा कि ये बहुत बुरी खबर है इलाका छात्रों के लिए कि यहाँ पर रात को जब आग की वारदात रूनमा हुई तो 8 से 10 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं और अल्ताफ हुसैन मलिक साहब का मकान, उन्हीं की वो दुकानें थी, उसमें हार्डवेयर की एक दुकान थी और क्या कहते हैं गाड़ियों का वर्कशॉप एक था और इसी तरीके से कपड़े की दुकानें थी और क्या कहते हैं बर्तनों की दुकान थी। तो दे के बात यहाँ तक पहुँचती है कि बारहा यहाँ से ये डिमांड गई कि हमें यहाँ फायर एंड एमरजेंसी की एक गाड़ी चाहिए, लेकिन आज तक सिर्फ हमने वादे ही सुने लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। लिहाजा आज छात्रों की आवाम ने यह फैसला लिया है कि रात को यहाँ फायर एंड एमरजेंसी की 2 गाड़ियाँ पहुँची लेकिन वो तब पहुँची जब पूरी जो मार्केट का के ये 10 दुकानें हैं वो जलकर खाक हो चुकी थी। और अगर यहाँ जो नेशनल हाईवे की कंपनी काम कर रही है अगर वो यहाँ पर ना होते तो मुझे लगता है इस वक्त यहाँ छात्रों का नामो निशान भी ना होता। और आप जानते हैं कि किश्तवाड़ से यहाँ तक गाड़ी फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ियों को आने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। जब तक गाड़ी यहाँ पहुँचती है तब तक यहाँ राख के ढेर के सिवा कोई चीज नहीं होती है। लिहाजा आज इमाम साहब अभी आप जो हैं धरने पर मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पर बैठे हैं तो कब तक आप लोगों का जो है धरना यहाँ पर रहेगा? हमारा धरना उस वक्त तक रहेगा, देखिए हमने जो फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी है वो यहाँ पर रोकी हुई है जबरदस्ती, लेकिन हम उसको किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं छोड़ेंगे। DC साहब यहाँ आए, यहाँ के लोगों को आश्वासन दें, उनको भरोसा दें और जो गाड़ी है उसको हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे जब तक कि रिटर्न में हमें ये ना मिल जाए कि ये गाड़ी जो है ये यहीं रहेगी। तो जब तक हमारे इन मामलात को, हमारी इन डिमांडों को पूरा नहीं किया जाता तो तब तक हम यहाँ से हटने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। इन सब की डिमांड यही है। पूरी करो।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक हमको दो, हमारा हक हमको दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक हमको दो, हमारा हक हमको दो। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर को लेकर है। जब तक ना हमें फायर सर्विस यहाँ पे मिले तब तक हम ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। जब तक ना डीसी साहब आके रिटर्न में दे, हमें रिटर्न में सौंपे, गाड़ी सौंप दे, तो उसके बाद हम ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हम यहाँ से गाड़ी बिल्कुल नहीं हटाएंगे। हमें फायर सर्विस चाहे चाहे आज हम किसी भी हाल में लेके रहेंगे। पिछले 20-22 साल से इन्होंने खाली बोला, खाली इतने इंसिडेंट यहाँ पे, हमारी TRC जल गई, उसको हम खाली ऊपर से तमाशा देखते हैं, कठपुतली की तरह सारे तमाशा देखे। मंदिर जल गए हमारे, हमारी तहसील जल गई, सिंहपुरा में मंदिर जल गया, और मुगल मैदान में पूरे किश्तवाड़ में, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इनको, इनके पास दो ही गाड़ी है। हमें उनसे वास्ता नहीं, हमें आज जो गाड़ी हमने रात को जो हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी है, उसको हम किसी भी सूरत में यहाँ से जाने नहीं देंगे। जब तक ना ये प्रोटेस्ट चाहे हमें 10 दिन तक करना पड़े, हम 10 दिन तक भी करेंगे, चाहे हमें 20 दिन तक, जब तक ना ये हमें ये लिख के दे, रिटर्न में लिख के दे, और DC साहब यहाँ पे खुद आए कि आपको ये फायर सर्विस हमने दे दिया नहीं, हम गाड़ी यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं देंगे। तब तक जो आप लोगों का धरना जारी रहेगा, प्रोटेस्ट चाहे इसमें हमें 10 दिन, हमारी जान चली जाए या कुछ भी। रात को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, अगर यहाँ पे हमारी जो SHO साहब है, जो इंडियन आर्मी है यहाँ पे, और हमारी जो कंपनी है SGI है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्त पे आए। उन्होंने बहुत कोशिश की आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो मतलब उतना कंट्रोल नहीं हो पाया, और जब तक फायर सर्विस आई तब तक सारा जल गया था, तब तक राख हो गया था यहाँ पे, कुछ भी नहीं, लगभग